हस्त श्रम और भाप शक्ति। इस मॉड्यूल में आप भाप शक्ति अर्थात स्टीम पावर द्वारा दस्तकारों अर्थात मैनुअल लेबर के स्थानापन के कारणों के बारे में जानेंगे, श्रमिकों की जीविका परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे। जब हम अपने कपड़ों, जूतों और उपकरणों आदि जैसे उत्पादों के बारे में सोचते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे द्वारा रोजमर्रा के जीवन में उपयोग की जाने वाली अधिकांश चीजें मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं। आजकल मशीनें लगभग सब कुछ बनाने और उत्पादित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। हालांकि यह परिदृश्य पूर्व आधुनिक युग में नहीं था। मशीनें इतनी महत्वपूर्ण कैसे बन गई और दस्तकारों अर्थात मैनुअल लेबर से आगे निकल गईं? स्टीम पावर अर्थात भाप शक्ति उत्पादन प्रक्रिया के मशीनीकरण का प्रतीक है। औद्योगिक क्रांति के दौरान दस्तकारों अर्थात मैनुअल लेबर से ध्यान हटाकर मशीनों और उत्पादन प्रक्रिया के मशीनीकरण पर केंद्रित किया गया। हालांकि श्रमिक दोनों की जगह अर्थात पारंपरिक रूप से स्थापित कारखानों के साथ ही साथ स्थापित किए गए आधुनिक कारखानों में भी उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में बाड़ाबंदी, जनसंख्या वृद्धि आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण कृषि मजदूर काम की तलाश में गांवों से शहर की ओर पलायन करने लगे थे। इससे उद्योगपतियों और व्यापारियों को सस्ते श्रमिक मिल गए। मशीनों को स्थापित करना महंगा था और वे अक्सर खराब होती रहती थीं। सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध होने के कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्टीम पावर के बजाय हाथ के काम करने वाले श्रमिकों का उपयोग किया। मौसम के अनुसार हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता बदलती रहती है। सर्दियों के दौरान कुछ उद्योगों में जैसे शराब की भट्टियों और गैस कंपनियों को अधिक मजदूरों की जरूरत होती है, जबकि ग्रीष्मकाल में कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पोत कारखानों और प्रकाशकों अर्थात पब्लिशर्स को सर्दियों के दौरान अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जिन उद्योगों की मांगे मौसम के अनुसार होती थीं, वे आम तौर पर शारीरिक श्रम पर भरोसा करते थे, क्योंकि उन्हें अपना काम हेतु मशीनों को स्थापित करने की लागत अधिक थी। मशीन निर्मित वस्तुओं को मानकीकृत किया जाता था, जिसका अर्थ था कि वे विशिष्ट नहीं होती थी और हस्त निर्मित उत्पादों की तुलना में उनमें गुणवत्ता की कमी थी। इस प्रकार अभिजात और बुर्जुआ वर्ग ने हस्त निर्मित उत्पादों को पसंद किया, जिन्हें श्रेष्ठ माना जाता था। मशीन निर्मित वस्तुओं को उपनिवेशों में भेज दिया जाता था। इसके अलावा अलग अलग तरह के उत्पादों की मांग थी, जिनमें कुल्हाड़ी अर्थात एक्स हेड्स और चाकू शामिल थे, जिनके लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी। मशीन निर्मित उत्पादों को विशिष्ट विविधताओं के साथ नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वे अत्यधिक मानकीकृत थे। मशीनीकरण की अपेक्षा पूर्णतया नवनिर्मित उपनिवेशों में अधिक महसूस हुई, जैसे अमेरिका, जहां 19वीं शताब्दी में श्रम की कम आपूर्ति थी। हमें पूछने की आवश्यकता है, मशीनीकरण की प्रक्रिया ने श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया? मजदूरों की कौन सी परिस्थितियां थी जिससे वे ग्रामीण इलाकों से शहरों में चले गए थे? शहरों में कारखानों के स्थापित होने के कारण काम की तलाश में कृषि मजदूरों और गरीब मजदूरों की संख्या बढ़ गई। शहरों में मजदूरों की बहुतायत ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया। गरीब लोग तो काम की तलाश में शहर आए थे, उन्हें सड़कों पर, पुलों के नीचे, गंदे शरण स्थानों पर रहना पड़ा, जब तक कि उन्हें काम नहीं मिला। यदि श्रमिक किसी को जानते थे तो कारखानों में काम करने की उनकी संभावना कई गुना बढ़ जाती थी। सामाजिक संबंध और रिश्तेदारी ने श्रमिकों को नौकरी पाने में मदद करने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई। 19वीं सदी के दौरान मजदूरी कम थी, महिलाओं और बच्चों को पुरुषों की तुलना में कम भुगतान भी किया जाता था। कार्य सामयिक था, जिसका मतलब कम कार्य दिवस और कम औसत वेतन। आर्थिक मंदी के दौरान 1830 के दशक की तरह
ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी 35 से 75 प्रतिशत के बीच बढ़ी। मशीनों की एक भूमिका यह भी रही कि इनके आने से श्रमिकों के लिए काम कम हो गया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था कि बड़े पैमाने पर दंगे हुए, लेकिन मजदूरों ने मशीनों की शुरुआत के खिलाफ विरोध किया। समय समय पर इन विरोधियों को राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत थी। हालांकि जब उद्योगों का निर्माण और रेलवे उद्योग का विस्तार शुरू हो गया तो अधिक लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आओ दोहराएं, 18वीं सदी में विभिन्न कारकों के कारण कृषि मजदूरों ने काम की खोज में गांव से शहर की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था। मशीनों को स्थापित करना महंगा था और वे अक्सर खराब हो जाती थीं, और इस प्रकार हाथ से काम करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता दी गई। समयानुसार हाथ से काम करने वाले मजदूरों की जरूरत बदलती रहती थी। अभिजात वर्ग और बुर्जुआ वर्ग ने हस्तनिर्मित उत्पादों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया, जिन्हें श्रेष्ठ माना जाता था। मशीन निर्मित उत्पादों को विशिष्ट विविधताओं के साथ नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि अत्यधिक मानकीकृत किया गया था। गरीब लोग जो काम की तलाश में शहर आए थे, उन्हें सड़कों पर, पुलों के नीचे, गंदे शरण स्थानों पर रहना पड़ा, जब तक कि उन्हें काम नहीं मिला। 19वीं सदी के दौरान मजदूरी कम थी, महिलाओं और बच्चों को पुरुषों की तुलना में कम भुगतान भी किया जाता था। मशीनों की एक भूमिका यह भी रही कि इनके आने से श्रमिकों के लिए काम कम हो गया।